मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वी राजस्थान के 6 जिलों के अंदर बारिश के आसार जताए हैं, जबकि प्रदेश के ज्यादातर भागों के अंदर 2 दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने और तापमान के अंदर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। रविवार को जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के अंदर आसपास के क्षेत्रों के अंदर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी, अचानक तेज हवाएं चलने, हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर चलने की संभावना जताई है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक 27 से 28 मार्च को प्रदेश भर के अंदर मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। बादल छंटने और तेज धूप निकलने के कारण 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसानों के लिए रात की खबर है, 29 मार्च में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। एक और नया पश्चिम विक्षोभ 29 से 30 मार्च को सक्रिय होने की संभावना है। 29 मार्च को बीकानेर और जोधपुर संभाग के अंदर कहीं कहीं बादल गर्जने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 30 मार्च को इस विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों के अंदर एक बार फिर से मीडियम व तेज आंधी बारिश, अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, आंधी चलने की संभावना और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है।